मैडम एक्स को मेरा सलाम। लाइट। मैडम एक्स, वादे के मुताबिक महाराजा अमर सिंह का ये नायाब एंटीक पीस मैं उनके म्यूजियम से उड़ा लाया। अब ये आपकी प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट अबाउट माय पेमेंट? मिस्टर एंथनी, सिर्फ हमारी तस्वीर पुलिस तक पहुंचाने की कीमत करोड़ों में है और तुम लाखों के सौदे में करोड़ों कमाना चाहते हो। इस लाइटर में छुपा कैमरा हम देख चुके हैं। सांप तुम लाए हो मगर जहर हम देंगे। जिस तरह यमराज को सिर्फ यमलोक ही देख सकता है, उसी तरह मैडम एक्स की शक्ल भी सिर्फ उसका अपना साम्राज्य ही देख सकता है। जो भी हमारी झलक देखने की जरूरत करता है वो जलकर ऐसे धुआं हो जाता है कि न जमीन को उसकी खाक मिलती है, न हवाओं को उसकी राख। नाउ क्लिक। I said click. हम हैं मौत की वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है मैडम एक्स। Madam X, 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 Madam
वाकई तुम्हारे निशाने का जवाब नहीं इंस्पेक्टर विजय। जवाब तो अब मैडम एक्स को देना होगा, जिसके सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया है इंस्पेक्टर विजय। प्लीज बी सीटेड जेंटलमैन। आज का अखबार पढ़ा आपने मैडम एक्स? अखबार में बड़ी गर्म खबर छपी है, 25 करोड़ के सोने की खबर छपी है। कोई सर जॉन नाम का आदमी है, अपोलो होटल के रूम नंबर 801 में 25 करोड़ का सोना 25 लाख में बेच रहा है। मेरे जुर्म की दुनिया के दोस्तों, जिस तरह चूहों को फंसाने के लिए लोग चूहेदान में रोटी पर घी लगाते हैं ताकि उसकी खुशबू से चूहा आकर चूहेदान में फंस जाए, उसी तरह ये सर जॉन नाम का कानूनी चूहा मैडम एक्स जैसी शेरनी को अपनी अकल की चूहेदान में गिरफ्तार करना चाहता है। ये आप क्या कह रही हैं? कानून हमारी गिरफ्तारी का प्लान बाद में बनाता है, हम उसे तोड़ने के रास्ते पहले ही बना लेते हैं। ये सर जॉन अपने बैग में सोने के बिस्किट नहीं, लोहे की हथकड़ी ले बैठा है। मैडम एक्स, हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। संभल संभल कर चलना मैडम एक्स ने जंगल की शिकार करती शेरनी से सीखा है। शिकार के वक्त शेरनी जिस जमीन पर अपने खूनखार पंजे रखती है, उस जमीन को भी उसके चलने का एहसास नहीं होता। एहसास तब होता है जब शिकार किया हुआ खून जमीन पर बिखर जाता है। हर कानून का ये सिपाही हमारा खून जमीन पर बिखेर देना चाहता है। मैडम एक्स, कौन है सिपाही? इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय? हाँ, इंस्पेक्टर विजय। सर, आपके बनाए हुए प्लान के हिसाब से मैडम एक्स मडालैंड पहुंच रही है। वेरी गुड। एक रानी, एक राजा। गोपाल कहाँ है इंस्पेक्टर विजय? गोपाल हवालात में है मैडम एक्स, और अब मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाऊंगा।
जुर्म और कानून की इस जंग में अगर तुम्हारे इशारे पर एक भी गोली चली तो हम गोलियों की बारिश कर देंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लो। मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। हाँ रॉबर्ट बोलो, क्या बात है? सर मुबारक हो, आपका भाई मैडम एक्स का पैसा लूटने में कामयाब हो गया है। और दूसरी खबर, पुलिस मड आइलैंड में जाल बिछा कर बैठी है, मैडम एक्स अब तक गिरफ्तार हो चुकी होगी। सर मेरा इनाम तो पक्का है ना? फिक्र मत करो रॉबर्ट, तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। रॉबर्ट, वाकई तुम्हारे सीने में फौलाद का कलेजा है जो मैडम एक्स मौत की हथेली पर खून की होलियां और जलते हुए बारूद की दीवालियां मनाती है, उससे गद्दारी भरा पंजा लड़ाने की हिम्मत करके। नहीं मैडम, हम तो हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे गैंग में गद्दार कौन है। नो मैडम, और हमारे उसूलों के हिसाब से हम तुम्हें आत्महत्या करने की मोहलत भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि हम हैं मौत की वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है। मिस्टर विजय, आप मैडम एक्स को पकड़ना चाहते हैं ना, तो फौरन मड आइलैंड पर पहुंच जाइए। आप कौन बोल रही है? जी मैं आपके एक शुभचिंतक। ओफो। नीता ये क्या मजाक है, मुझे चाबी वापस दो, जाना है मुझे। चाबी चाहिए तो पानी में आकर ले जाओ। प्यार करने वाले चाहने वालों के पीछे पड़े रहते हैं और तुम हो के मुजरिमों के पीछे। एक जिम्मेदार ऑफिसर सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोच सकता है और कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था विजय कि इंस्पेक्टर बन जाने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे। क्या हमेशा मेरी मांग तुम्हारे सिंदूर के लिए और मेरा प्यार तुम्हारे दिल के लिए तड़पता रहेगा? नहीं नीता नहीं, इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद मैडम एक्स की गिरफ्तारी है। देखिए मैडम एक्स के पूरे 75 लाख रुपए लूट कर लाया हूं मैं। छोटे, जंगल में जाकर शिकारी कभी किसी खतरनाक जानवर को छेड़ता नहीं है, बल्कि उसे खत्म कर देता है, वरना वही जानवर शिकारी को सूंघता हुआ आता है और उसी शिकारी का खून पीकर चला जाता है। आपका मतलब? छोटे, मैडम एक्स अपने नोटों के टुकड़ों को
गोश्त के टुकड़ों की तरह सूंघती हुई आएगी और जरूर आएगी, भूखी शेरनी की तरह। फिर तो मुझे वो ये क्या ब्रदर? आज तुम उसके नोट लाए हो, कल तुम उसकी लाश लाओगे, तभी कहलाओगे तुम राय बहादुर के बहादुर भाई। ब्लाइंड पैक। मैडम एक्स, अब तो पत्ते देख लीजिए। दिमाग की आंख से देखने वाले चेहरे की आंखों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं मोहन, मगर इस तरह तो बाजी खत्म ही नहीं होगी। बाजी चाहे जिंदगी की हो या पत्तों की, खत्म तो हो ही जाती है। क्यों? चुटकियों में। देखा मोहन, खत्म हो गई बाजी, पत्तों की भी और जिंदगी की भी। असल में हम यहां ये बाजी खेलने आए थे। छोटे, तू तो चला गया, लेकिन तेरी लाश का मंजर मेरी आंखों से नहीं गया। मैडम एक्स पर हमारे बदले का कर्ज है, मैं उसके जिस्म पर इतने जख्म कर दूंगा कि सिर्फ जख्म ही जख्म नजर आएंगे, जिस्म नहीं। राय बहादुर, हमसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने जहरीले बिच्छू का डंक अपने शरीर में गाड़ लिया है, और बिच्छू के डंक से आदमी मरता नहीं है, जिंदगी भर तड़पता और सिसकता रहता है। तुम भी जब तक जियोगे तड़पते और सिसकते ही रहोगे। क्यों? चुटकियों में। मेरी तस्वीरें? इन तस्वीरों का मतलब है वो 75 लाख रुपए जो तुम्हारे भाई विक्रांत की सजाए मौत बन गई, और हम वो 75 लाख रुपए और 10 दिन का सूद 1 करोड़ यानी पूरे 1 करोड़ 75 लाख रुपए तुमसे वसूल करने आए हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अगर 2.25 करोड़ तुमने 2.25 मिनटों के अंदर हमारे हवाले नहीं की, तो शहर के इज्जतदार राय बहादुर को हम गोलियों से नहीं, बेइज्जती के जख्मों से मारेंगे। इन काले करतूतों की तस्वीरों को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर। ये लो, पूरे 1.75 करोड़ है, चाहो तो गिन लो। ऐसी वसूली में हम रुपए नहीं, सामने वाले के माथे पर पसीने की बूंदे गिनते हैं। लेकिन वो नेगेटिव्स? हमारे जाते ही फोन तुम्हारे हाथ में होगा और नेगेटिव्स तुम्हारे पैरों में।
मैडम एक्स। मैडम एक्स, खबर मिली है कि रेड लाइट एरिया में हमारा दुश्मन राय बहादुर करोड़ों का सौदा करने वाला है। सौदा वो जरूर करेगा जाका, मगर सौदा अगर होंगे हम, हमारा सबसे वफादार चंपकलाल राय बहादुर का सारा सोना लेकर ऐसे उड़ जाएगा जैसे चील आसमान से जमीन पर आती है और मुर्गी का चूजा लेकर फुर्र उड़ जाती है। उस रेड लाइट एरिया में आज बहुत बड़ा फंक्शन भी होने वाला है मैडम। फंक्शन उसका होगा जाका, और एक्शन हमारा सबसे वफादार चंपक लाल का होगा।
चंपकलाल, लड़की का भेष बदलकर तुम कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यस, मैं बोल रहा हूं। ओ, आप कहीं खबर हमारे फायदे की है या नुकसान की? चंपकलाल इंस्पेक्टर विजय के हाथों गिरफ्तार हो गया है। दुनिया की किसी भी कंपनी ने अभी तक वो ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी मैडम एक्स के पास न हो। तो फौरन उस चाबी का इस्तेमाल करो मैडम एक्स। घबराओ मत, चंपकलाल की जुबान खुलने से पहले जेल का ताला खोल दिया जाएगा। गजब हो गया मैडम एक्स, अभी अभी पॉल के जरिए पता चला कि ना मेहमान ज्यादा दिनों तक घर में रहते हैं और ना ही सरकारी मेहमान जेल में। तुम जूते पहनाओ जाका। मतलब आपको पता लग चुका है कि चंपकलाल? जाका, हमारे पास दुनिया पर नजर रखने वाली इतनी आंखें हैं जितनी शायद आसमान पर सितारे भी ना हो। मगर कहीं ये इंस्पेक्टर विजय हमारे तकदीर के सितारे गर्दिश भी न कर दे। ऐसे इंस्पेक्टर हवाओं के झोंके होते हैं, हम उन्हें तूफान की नजरों से नहीं देखते। जाका, जरा गौर से देखो इस रेस के मैदान को। यहां हजारों घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। लेकिन चंपकलाल लंगड़ा घोड़ा नहीं, इन्हीं घोड़ों की तरह हमारे मैदान में दौड़ने वाला एक कामयाब मोहरा है वो, और हम अपने उस घोड़े को आजाद कराने के लिए नोटों की बारिश कर देंगे। यूं चुटकियों में। अबे ओ वर्दी में लिपटे हुए मट्टी के पुतले, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ करने का इरादा है क्या? हैं? जनवरी के ठंडे ठंडे महीने में तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? हाड्डा खाया क्या? हाड्डा का मतलब होता गरम कुत्ता। अब लेकिन कुत्ता कुत्ता कैसे खा सकता है? विल यू शट अप चंपकलाल, गाड़ी चलाओ ना। नीचे उतरो चंपकलाल, जाका उस गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाका? लेकिन जाने से पहले तुम मुझे मारोगे। मैं तुम्हें मारूंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हें मारूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तुम मुझे मारोगे, और फिर जब मैं भागने की कोशिश करूंगा तुम ठा मुझे गोली मारोगे और मैं ठा मर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मुझे वापस पुलिस स्टेशन लेकर चलो। मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं हूं। चंपकलाल, तुम मुझे मारो। ये क्या मुसीबत है? ये बोलता कि मैं मारूं? गिरता ही नहीं है, लगता हराम का बहुत खाया है। ये ले, भाग भाग, कहीं होश में ना आ जाए। 420 भाई साहब, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाता हूं। चलो जल्दी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त देश पांडे को डिसमिस करने का ऑर्डर देता हूं। नहीं सर, एक मुजरम इंस्पेक्टर को डिसमिस करने से दुनिया के सारे जुर्म डिसमिस नहीं हो सकते। जिस तरह देश पांडे ने चंपकलाल को रिश्वत की नोटों पे आजादी की सड़क बनाकर दी है,
उसी तरह अब वो कानून को मैडम एक्स तक पहुंचने का रास्ता भी बनाकर देगा। मैंने देशपांडे के घर एक ऐसा माइक्रोफोन फिट कर दिया है जिससे मैडम एक्स का हर राज अब हम तक पहुंचता रहेगा। आइए 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 इंस्पेक्टर देशपांडे, मेरी आजादी के झंडे। मैडम एक्स, ये कानून के वो बाप है जो अपनी ड्यूटी को अपनी गोद में झूला झूला कर उसे प्यारी प्यारी लोरी सुनाकर सोला देते हैं और आपके नोटों का पंखा बनाकर उससे ठंडी ठंडी हवा देते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम एक्स। गुड मॉर्निंग मैडम एक्स। जब तक विजय जैसे इंस्पेक्टर जिंदा हैं, हमारी कोई मॉर्निंग गुड नहीं हो सकती। आप हुक्म दीजिए मैडम एक्स, आप जो चाहेंगी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आज रात के अंधेरे को इंस्पेक्टर विजय की चिता से रोशन कर दें। हो जाएगा, आप विजय की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दीजिए। तो फिर तुम्हारी लाश को किसके कंधे पर सौंपेंगे देशपांडे? मैडम एक्स, लाश ना मेरी गिरेगी और ना आपके काले धंधों की, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर विजय के सीने में अपने विश्वास का सिक्का गाड़ दिया। चंपकलाल, गलतफहमी में जीने वाले असलियत में मर जाते हैं। क्यों इंस्पेक्टर देशपांडे मरने वाला है क्या? देशपांडे, कल रात तुम घर कितने बजे पहुंचे? 11 बजे। और आज घर से निकले कब? 9 बजे। शायद तुम जानते नहीं कि इस 9 और 11 के बीच इंस्पेक्टर विजय तुम्हारे घर की तलाशी लेकर उसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट करके खुद 9, 2, 11 हो चुका है। जी? को मरवाएगा? जी। देशपांडे जब भी हमारे सामने कोई बेवकूफ अकलमंदी का ताज पहनने की जरूरत करता है तो ताज तो उसके हाथों में होता है मगर पहनने के लिए उसका सर नहीं होता। जी जी। अबे ओ, ये जी का घी मत बना। अगर फिसल गया तो इंस्पेक्टर से हवलदार नहीं डायरेक्ट जमादार बनेगा, वो भी टेम्पररीली। जी। अबे फिर जी, अब तो वही करेगा जो हम नहीं, जो वो चाहती है। आइए आइए चंपकलाल जी। हाँ फिर जी। जी तो सुनिए मिस्टर जी। जी आज शाम को आप न्यू एरा कार पार्किंग में जाएंगे जी। जी उधर आपको मिलेंगी मैडम एक्स जी, जो आपके हाथ में देंगी ब्रीफकेस जी, जो आप बड़ी तैयार के साथ मेरे गोडाउन में पहुंचाएंगे। कहाँ जा रहे हो विजय? अपना फर्ज निभाने। मैडम एक्स को गिरफ्तार करने? हाँ। नहीं विजय नहीं। नीता, जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दिल के बहुत कमजोर होते हैं। अपनी बातों से मुझे इतना कमजोर मत बनाओ कि मैं अपना फर्ज और कानून भी भूल जाऊं। तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा कानून, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, कहीं सब रह गया है। तुम्हें किसी और का कोई ख्याल नहीं है, तेरी मोहब्बत का, तेरे प्यार का तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। क्या मेरी जिंदगी इंतजार में ही कट जाएगी? क्या आंसू बहाना ही मेरी किस्मत है? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मैडम एक्स को गिरफ्तार करने मत जाओ। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथों से चूड़ियां उतार कर अपने हाथों में पहन लूं, फर्ज और सच्चाई का चोला उतार कर फेंक दूं? नहीं नीता, नहीं नीता, नहीं। इस फर्ज की सच्चाई को जिंदा रखने के लिए इंसानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज रात मैडम एक्स गिरफ्तार होगी और कल मेरे हाथ तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे, हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, हमारा घर संसार, हमारे सपने, हमें सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ कल तक इंतजार करो, कल तक। हाँ चंपक लाल, मैं तुम्हारी मैडम के राज का सेंटर बन गया हूं, द ग्रेट सेंटर। तुम तो जुर्म की दुनिया का एक हिस्सा बन गए हो दोस्त। तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? चंपक यार, मैं कुत्तों की तरह नोटों के छोटे मोटे टुकड़े खा खा कर बोर हो गया हूं यार। मुझे कल शाम तक 50 लाख चाहिए। कह देना मैडम को 50 लाख
समझा? वरना वरना जानते हो क्या होगा? मैडम एक्स के सारे अड्डों को मैं जानता हूँ, तुम्हारी काली करतूतों को भी मैं जानता हूँ, और पुलिस वाले मुझे ऑफिसर की शक्ल में जानते हैं। जान लो, जान जोखम में आ जाएगी चंपक। होश की बात कर देश पांडे, शराब तेरे को चढ़ गई है। चढ़ गई है ना, उतर तो नहीं गई है। 50 लाख चाहिए, नहीं तो पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। कल शाम को इसी रेस्टोरेंट के बाहर 50 लाख। सुना क्या? ठीक है, तुम्हें पूरे 50 लाख मिल जाएंगे। रियली? रियली। यो चंपकलाल, ये तुम क्या कह रहे हो देशपांडे? हाँ बाबू, विजय की जान खतरे में, उसे न्यू ईयर का पार्क में मैडम एक्स का आदमी चंपकलाल जान से मार डालेगा, उसे वहां जाने से रोकिए। कुछ कीजिए भाभी, कुछ कीजिए। अच्छा नीता, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? विजय, मैं तुम्हारी बाहों में जी नहीं सकी, लेकिन लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में मर तो रही हूं। नहीं नीता, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नीता, 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 नहीं नीता, नीता, इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारी ये महबूबा तुम्हारे साथ अग्नि के साथ फेरे लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चिता की लकड़ी से हमारी ये सिगरेट जलाने के लिए पैदा हुई थी। Oh!
रहे हो मैडम एक्स, अब तो तुम्हें भी जिंदगी से बहुत प्यार होने लगा होगा ना। मैडम एक्स, अब तुम्हें मेरे चंद सवालों का जवाब देना होगा। सर जॉन बनकर मैं होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यह खबर तुम तक कैसे पहुंची? गोपाल बनकर मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा था, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? और देशपांडे के घर माइक्रोफोन फिट करने की खबर तुम्हें टेलीफोन के किन तारों से मिली? बोलो, जवाब दो, बोलो। घमंड है तुझे? एक बार आसमान टूट सकता है इंस्पेक्टर, मगर मैडम एक्स का घमंड कभी नहीं। हमारी सांसों की आवाज सुनकर तो मौत के फरिश्ते भी घबरा कर भाग जाते हैं। हमें हमारी जिंदगी की हैसियत का एहसास दिलाओ, ऐसी तुम्हारी औकात का। मेरी औकात का अंदाजा तुझे तब होगा जब फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले वो पौने मीटर का कपड़ा तेरे चेहरे पर होगा। अब तक वो कपास का फूल पैदा ही नहीं हुआ इंस्पेक्टर, जो मैडम एक्स की कफन का कपड़ा बनने की जरूरत कर सके। वैसे ये कौन सी काल कोठरी में तुम मुझे लाए हो इंस्पेक्टर? ये वो काल कोठरी है मैडम एक्स, जहां तुम देशपांडे जैसे नमक हराम को खरीद नहीं सकती। ये वो काल कोठरी है जहां तुम अपने सारे अड्डे, अपने साथी और अपने तमाम काम करने के तरीके सिर्फ इंस्पेक्टर विजय को बताओगी। जानना चाहता है हमारे बारे में तो कान खोलकर सुन। हम है मौत की वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है मैडम एक्स। मैडम एक्स, हाँ मैडम एक्स। और जब तक इस मैडम एक्स का एक्स नाम का हथियार जिंदा है, दुनिया का कोई भी हथियार हमारे सीने के पार नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। और जब हमारी गिरफ्तारी की खबर हमारे उस एक्स तक पहुंचेगी, तो वो हमें इन रेशम की डोरियों से आजाद करवा देगा। नहीं मैडम एक्स, नहीं। बस यूं समझ लो कि तुम और तुम्हारे उस हथियार एक्स की बर्बादी का इंतजाम ये इंस्पेक्टर बड़ी विजय के साथ करेगा। अरे सिंह, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? नो सर, मगर आपने जो हुलिया बताया वो हमारी समझ में नहीं आया। अरे वही लड़की जो कुछ अरसे पहले हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी, जिसका मामा किसी 420 के केस में गुप्ता के हाथों पकड़ा गया था। अरे गुप्ता। यस सर। तुम्हें याद आता है उस लड़की के बारे में? सर ऐसी तो बहुत सी लड़कियां आती हैं। अरे वही लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी थी, अपने परिवार के दुखड़े सुना रही थी। सॉरी सर, ऐसी कोई लड़की मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उस लड़की को मुझे खुद ही तलाश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगी।
जय भोलेनाथ, जय हो। हाँ चलता है अपुन का भी, चलता है क्या? बस अपुन का धंधा ऐसे चलाते रहना। हाँ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राजू मिनी, अरे आजा, मेरा छोटा सा भैया। निर्मला कहाँ है? दीदी एक खास खास कर एक किलो दाल में दो बूंद तेल का तड़का मार रही है। अरे राजू अपुन के यहाँ तो फिर भी दाल में तेल पड़ जाता है, मगर तेरे को मालूम है किधर किधर तो उबलेली दाल के ऊपर अखी जिंदगी निकल जाती है क्या? दीदी अपुन को तो लग रहा है अपुन की जिंदगी अभी बहुत बिंदास होने वाली है। ऐसा क्या? एकदम हाई क्लास। अरे वाह, वो कैसे? ऐसे। दीदी अपुन ने गिना पूरा 10,000 है। 10,000? पागल है क्या? इधर आ। 10,000 ये तो असली है, असली है। ए, कौन दिया रे? था कोई बोला तुम्हारी दीदी से कुछ जरूरी काम है, इस कार्ड पर उसका पता लिखेला है और ये नोट एडवांस का है। 10,000 एडवांस? जानबूझकर मैं रुपयों का लिफाफा और अपना पता तुम्हारे घर छोड़ाया था। जानबूझकर साहब, मगर काय को? क्योंकि मैं जानता हूँ सोनू की तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ वो तो है, और मुझे और कानून को तुम्हारी जरूरत है। अपन कुछ समझा नहीं साहब। ये तुम अपने चाकू के धंधे में कितना कमा लेती हो? क्या साहब, आप तो अपन को ऐसा सवाल करते जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। बस साहब अपन का और अपन के घर वालों का दो टाइम का रोटी मिल जाता है साहब। और अगर हर महीने मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता रहूं तो? 10,000 रुपए? साहब तुम अपन के साथ मस्करी करता है साहब। साहब तुम तो जानते हो अपन गरीब है ना, पर अपन को अगर 10,000 रुपए मिलेंगे ना तो सबसे पहले अपन का वो छोटा भाई है ना राजू, उसका अपन टांग ठीक कराएगा। फिर अपन की छोटी बहन है ना निर्मला, उसको अपन स्कूल भेजेंगे। फिर वो पढ़ लिख कर तुम्हारे माफी बड़ा आदमी बनेंगे ना साहब। पन तुम अपन को 10,000 रुपए देगा क्यों? तुम्हें खतरनाक खेल खेलना होगा सोनू। खतरनाक? किसी को खलास करने को मांगता है क्या? ये सब अपन से ये सब नहीं होता है। हाँ अपन तो एकदम सीधा साधा है। अरे वाह, ये तो अपन का फोटो है। आए पन अपन तो कभी जिंदगी में फोटो ही नहीं निकाला। ए साहब तुम चुप चुप के अपन का फोटो निकाला होगा ना। पन ये कपड़े कैसे अजीब है। नहीं साहब अपन की खोपड़ी में कुछ घुसता नहीं साहब। मैं बताता हूँ, ये जुर्म की दुनिया की रानी है, नाम है इसका मैडम एक्स, जो अब मेरी हिरासत में है। कानून से आंख मिचोली खेलने वाली ये जहरीली नागिन, जिसको उसके साथियों के अलावा और किसी ने नहीं देखा, अब मेरे हाथ लग चुकी है। और इस बात को मेरे अलावा अब सिर्फ तुम जानती हो। समझ गए साहब, अपन सब समझ गए। तुम चाहता है कि अपन उसकी जगह मैडम एक्स बनकर जाए, क्यों? नहीं तो मैडम एक्स नहीं, मैडम एक्स। तो वही तो अपन बोला मैडम एक्स। एक्स नहीं एक्स। एक्स। ओहो क्या साहब, क्या साहब, अपन उसका नाम भी बराबर नहीं बोल सकता साहब, तो अपन उसके पाप की नगरी में जाएंगा कैसे साहब? ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ साहब, मैं तुम्हें उसके सारे तौर तरीके, उसके सारे अंदाज सिखा दूंगा। लेकिन साहब एक बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या? हाँ, अपन के भाई बहन की जिम्मेदारी। सोनू मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी लेता हूँ, और उन दो मासूम जिंदगियों की रक्षा करने का वादा भी करता हूँ। हाँ हे साहब, वादा तो तुम फटाफट करता है, पर अगर कहीं तुम फिर गया तो अपन तो गया ना, क्या कहते वो 12 के भाव में। हाँ सोनू, मैडम एक्स मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिसे शायद तुम पूरा कर सकती हो। यह उस घर की चाबी है जहां पे तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे मामा से बहुत दूर सुख की जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो और कानून का मकसद भी। बाप रे, कितना बड़ा मकान है ना दीदी, और कितना सुंदर भी ना। ऐसा मकान तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। और देख यहाँ कितना अच्छा सोफा भी। हाँ अरे दीदी, यहाँ से तो पूरी बम्बई दिखती है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई दीदी। दीदी किसने दिया आपको इतना बड़ा मकान? तुम्हारी दीदी की किस्मत में। क्या नाम है बेटे आपका? राजू।
बहुत प्यारा नाम है। डॉक्टर साहब जी, यही है आपका पेशेंट। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। जरा पैर उठाओ बेटे आस्ते से। शाबाश शाबाश। इसकी टांग ठीक हो सकती है, मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूँ। आप इसको हफ्ते में दो बार मेरी क्लिनिक में ले आइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अंकल, आपने मेरी दीदी को कौन सी नौकरी दी है जो आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं? है कैसी नौकरी जो सिर्फ आपकी दीदी की ही किस्मत में लिखी है। और अगर आपकी दीदी ये नौकरी निभा गई तो दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम सब आपकी दीदी के कदम चूमेंगे। तब तो मैं भगवान से खूब प्रार्थना करूंगी कि मेरी दीदी को हर कदम पर कामयाबी मिले। सोनू, तुम्हें इस जहरीली नागन का रूप अपनाना है। चंपकलाल इसका वफादार साथी है और तुम्हें उस एक्स तक पहुंचना है जो इस मैडम एक्स का खास हथियार है। सोनू, इसे गौर से देख लो। इसकी हर एक अदा, इसका एक एक अंदाज जिसमें सिर्फ जहर भरा हुआ है। ये सब तुम्हारे हथियार हैं अपने आप को मैडम एक्स साबित करने के लिए। पर इंस्पेक्टर साहब, आपको एक बात समझ में नहीं आ। क्या हुआ? आप नहीं, हमें 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 आपने हमें मैडम एक्स के बारे में तो मैडम एक्स नहीं, मैडम एक्स ओनली, मैडम एक्स। हाँ, हाँ। आपने हमें मैडम एक्स करेक्ट के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैडम एक्स तक हम पहुंचेंगे कैसे। चुटकियों में नहीं, यू जाका, ये मैडम एक्स अचानक कहां गायब हो गए? कहीं इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? हेलो चंपकलाल, मैडम लापता है ना? वो इस वक्त लोटस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 6 में है। तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, लोटस हॉस्पिटल। Come on, come on, come on.
प्रोसीजर्स में पेशेंट का बॉडी स्पॉन्ज करना है और उसके बाद जनरल चेकअप के लिए ले जाना है, इसलिए आपको जरा रूम से प्लीज इफ यू डोंट माइंड। सोती हुई भी कितनी क्यूट, सोती हुई भी कितनी क्यूट लग रही है। दिल करता है कि इसे कोई देख भी नहीं रहा। कोई जल्दी कर। इसे बना देता हूं, कोई पहचानेगा नहीं। आजादी और नई जिंदगी दोनों मुबारक हो। कैसे हो चंपकलाल? मैडम मैक्स, आपने मेरे गाल को हाथ लगा के मेरी मोहब्बत की किताब को लाल कर दिया, धुमाल कर दिया, कमाल कर दिया, सबकी धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। ओ, क्या पियेंगे आप? जिन, वोडका, बियर, शैंपेन, विस्की, रम, जो मिटाए सबका गम। आज शुभ दिन है, मैं खुद अपने हाथों से आपको क्या है? नो चंपकलाल, मैडम एक्स को ड्रिंक रोजी पिलाता है। जाओ तुम डांस करो, मैडम एक्स का ड्रिंक मैं बनाती हूँ। ओके मैडम एक्स, मैडम एक्स, मैडम एक्स, मैडम एक्स, मैडम एक्स, मैडम एक्स, थैंक यू सूजी, मैडम एक्स, मैडम एक्स, मेरे भाई का खून हो गया और अब तक कानून कातिल तक नहीं पहुंच सका। चंपकलाल जैसा मुझे मेरे यहां गिरफ्तार होने के बावजूद फरार हो गया। अगर ऐसा ही होता रहा कमिश्नर साहब, तो हम जैसे इज्जतदार शहरियों का विश्वास कानून पर से बिल्कुल उठ जाएगा। राय बहादुर, मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। आप मुझ पर और कानून पर विश्वास रखिए। मुझे कानून पर विश्वास तब होगा जब आप चंपकलाल को दोबारा गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि चंपकलाल अकेला मैडम एक्स का खास मोहरा है। मालिश, चंपी, चंपी मालिश, चंपी मालिश, तेल मालिश, चंपी। चंपकलाल जवेरी, बोर्ड चमकदार, रात अंधेरी, मत कर देरी, कर ले जल्दी हेरा फेरी, बेटा झनकार, सोच मत बार बार, घुस जा अंदर तेल लगा के। अरे अरे, बड़ा उजड़ा हुआ सिंगारदान है, दो ब्रश, एक पाउडर, और ये क्या है यार लफंतू? मेरा हाथ बाहर, अरे आईना भी गुल, न गुल है न बुलबुल, कहीं ये मिस्टर इंडिया का मकान तो नहीं है? हाँ क्या है? लाइट है। लाइट में क्या है? रोशनी है, मोमबत्ती है, दिया है। क्या आज दिवाली है? अरे आज तो अमावस की रात है, कहीं दीप जले कहीं दिल, लगता है खूनी पंजा निकल के आएगा। नहीं खूनी पंजा नहीं, शेर है, पीतल का शेर है, उस पे रेखा है, रेखा ने गुस्से से मुझे देखा है और समझा रही है कि ए निकल ले यहाँ से, किसी हीरोइन का मकान है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। झनकार, यहाँ फुनकार ही फुनकार है, बाहर बोर्ड चंपक लाल है, अंदर पोलम पाल है। अबे किसको बना रहा है मकान वाले? प्यार किया तो डरना ये मुगले आजम कहां से आ गया?
मैंने मैडम एक्स से प्यार किया, कोई चोरी नहीं वो छुप छुप आए भरना, क्या जब प्यार किया तो डरना। मैडम एक्स तेरे प्यार में मैं दीवाना हो गया रे, मैं तेरे प्यार में हिलेला जुलेला हो गया रे। ये शीशा तो सुबह मैंने तोड़ दिया था, अब कहाँ से आ गया? मेरे सर पे टोपी है, मेरे सर पे टोपी नहीं है। इसके सर में भी टोपी नहीं है। मेरे ये नाक है, आंख है, ये बाल है, मैं अप्रिक करूंगा भाई को। रखता हूँ लिल्लू को, सब ठीक है जाका। मैडम एक्स, आप जब से आई हैं ऐसे लगता ही नहीं कि आप आई हैं। क्या मतलब? जूम की दुनिया में कोई हंगामा ही नहीं। तुम जूते पहनाओ जाका, पैरों में बैठने वालों को सर पर नहीं बैठना चाहिए। आपके ये जूते शायद छोटे हो गए। नहीं जाका, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जुर्म की सड़क पर दौड़ते दौड़ते हमारे पांव लंबे हो गए। आज लगता है कि हम अपने जुर्म की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हमारा सिगरेट जला? Come on, light it. निकल चल। अबे ओ अकल के घिसे हुए जूते, बिन पेंदे के लोटे, अब सड़क पर और कितनी दूर तक मेरी गाड़ी का टायर घिसाएगा? जल्दी से बोल, जल्दी से फट, जल्दी से। ओ सस्पेंस के गम बूट, ओ लफड़ा क्या है बोल। चंपक लाल, बात हंसी मजाक की नहीं है। तो क्या हमारी गिरफ्तारी की है? हाँ, हाँ? उल्लू का पट्टा हाँ बोलता है। हमारी जान गुले गुलजार, गुले बंदूक, गुले शंपा, मैडम इसके होते हुए हमारी गिरफ्तारी की बात करता है? हाँ, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपने लाइटर से मैडम एक सी सिगरेट सुलगाई। क्या? मैं भी इसी तरह चौंका था। इतना ही नहीं, जब मैंने उसे जूते पहनाए तो वो भी उसके पाँव में फिट नहीं आए। मतलब गड़बड़ घोटाला। मैडम एक्स, हम चाहे तो गद्दारी के नाम में तुम्हारे दिल पर गोली का निशान बना दे। नहीं नहीं नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। बुजदिलों की तरह तुम्हारा ये चिल्लाना तुम्हारी गद्दारी की गवाही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा वफादार हूँ,
जैसे वफादार कुत्ता होता है ना, कुत्ता ही वफादार। चंपकलाल, ये मौत भी कितनी अजीब चीज है। इंसान उसे महसूस करते ही जिंदगी की आंचल में चंचल बालक की तरह तड़पने लगता है। जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरी चिता की तैयारी करवाने के लिए। नहीं चंपकलाल, तुम हमारे इतने करीब होकर भी हमसे उतने ही अनजान हो जितने समुद्र के दो किनारे। कभी हमारी आंखों में आंखें डालकर उनकी गहराइयों में झांका होता, हमारे दिल को समझा होता और उसकी गहराइयों में छुपी हुई मोहब्बत को जाना होता, तब तुम्हारे इस दिल पर हमारी मोहब्बत का असर होता। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम महसूस कर रहे हो। ये तुमको क्या हो गया है? यूं समझो कि मैडमिक्स बदल गई है, उसका दिल बदल गया है, उसके जज्बात बदल गए हैं, उसके ख्यालात बदल गए हैं और इस बदले हुए दिल पर सबसे पहला नाम लिखा है चंपकलाल जवेरी। हाँ, चंपक लाल जवेरी, यानी कि मेरा नाम तुम्हारी जुबान पे। क्या तुम हमारे साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्यालों में तुम, ख्वाबों में तुम, सांसों में तुम, जज्बात में तुम, जिस्म के हर इलाके में तुम ही तुम हो। तुम्हारे साथ मैं स्वर्ग तो क्या, नर तक चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, बिरला मंदिर बनाऊंगा, कुतुब मीनार बनाऊंगा, वो भी दिल्ली से लंबा वाला। माना कि हम अपनी दुनिया की रानी है, मगर रानी चाहे शतरंज की बिसात पर हो, चाहे तख्त और ताज पर, राजा के बिना अधूरी होती है। राजा? यानी कि मैं राजा हूँ? हाँ, तुम हमारे राजा और हम तुम्हारी रानी। बस चंद काम और कर ले, फिर हम और तुम कानून की निगाहों से दूर, बहुत दूर जाकर बस जाएंगे। उसके बाद मेरा एक छोटा सा घर होगा, जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा पलंग होगा, झूला होगा जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, कम से कम 8-10 तो पैदा करूंगा, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है। हा हा हा, ब्यूटीफुल वाइफ, क्या होगी मेरी लाइफ। जाका। यस मैडम एक्स, आपके जूते। इंस्पेक्टर विजय, गुड टू सी यू अगेन। हमसे हाथ मिलाकर तुम्हें अपने आप से कोई शिकायत तो नहीं होगी? मैडम एक शायद यहां तक नहीं पहुंचता तो जिंदगी से शिकायत रह जाए। बस इंस्पेक्टर, तुम इसी तरह हमें अपनी वफादारी की झलक दिखाते जाओ और हम
तुम्हें मैडम एक्स की असलियत बतलाते जाएंगे। जाका, बैग। मैडम एक्स, ये इंस्पेक्टर तो आपका जानी दुश्मन था। था नहीं, दुश्मन तो ये आज भी मैडम एक्स का ही है, मगर दोस्ती करना चाहता है मैडम एक्स की ढेर सारी दौलत से, रिश्ता जोड़ना चाहता है। क्यों इंस्पेक्टर, मैंने ठीक कहा ना? जाका, अब मुजरमों के कलम से इसकी किस्मत हम लिखेंगे और कानून के कलम से हमारी किस्मत ये लिखेगा। तुम जाओ, बैग ले आओ, जाओ जाओ। ओके। व्हाई डोंट यू सिट डाउन इंस्पेक्टर। जाका, अब इंस्पेक्टर विजय हमारे लिए वो काम करेगा जो आज तक मैडम एक्स के साथ किसी ने नहीं किया। कानून और फर्ज से मेरी इस गद्दारी की कीमत? कीमत नहीं, तुम्हारा कमीशन 20%, यानी इन दो बैग्स को मोहन तक पहुंचाने का तुम्हारा हिस्सा 2 करोड़। 2 करोड़। इंस्पेक्टर ले जाओ इन बैग्स को, अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके। मैडम एक्स, आपने आज तक किसी पर 2 लाख का भी विश्वास नहीं किया और इस इंस्पेक्टर को पहला ही काम ऐसा दे दिया जिसमें उसका कमीशन 2 करोड़। जाका, जुर्म कानून को अपनी जेब में रखने के लिए रुपयों की परवाह नहीं करता। ये हमारी एक शतरंजी चाल है जाका, चक्रव्यूह से भी खतरनाक चक्र है ये, एक युद्ध है। हाँ, एक युद्ध जो हमें जीतना है, जीतना। मिस्टर विजय, आपने वाकई एक हैरतअंगेज कारनामा अंजाम दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
इस कमरे में आप हमेशा हमारे या चंपकलाल के साथ आती हैं। आज आप अकेले? जाका, आज हमें कुछ जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए हम मगर इस तरह टॉर्च की रोशनी में आप अपने ही मकान में चोरों की तरह क्या ढूंढ रही हैं? मगर हम क्या आप ये भी भूल गई कि इस जगह की रोशनी का खुफिया बटन इस हैंडल के साथ है? मैडम एक्स, हम आपके पैरों में बैठने वाले लोग जरूर हैं, और वैसे हमें आपके सर पे बैठने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस रूम के तमाम ड्रॉर्स खोलने के लिए किसी चाबी की नहीं बल्कि इस हैंडल को घुमाने की जरूरत पड़ती। वैसे मैडम मेक्स की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हैं आप, जो भी हो मैडम मेक्स नहीं हो। मोहन के बहाने मैडम मेक्स का 10 करोड़ का माल इंस्पेक्टर विजय के जरिए सरकारी खजाने में जमा करवाने का अच्छा प्लान बनाया था आपने। जो जूते तुम्हारे पैरों में फिट हो गए वो मैडम मेक्स के नहीं, तुम्हारे अपने बनवाए हुए जूते हैं। जूते तुम ले आई और रसीद हम ले आए। बोलो कौन हो तुम? चंपकलाल। जाका पुलिस का खबरी बन चुका था। क्या? हाँ, तलाशी लो उसकी, हमारी गैर मौजूदगी में यहां कुछ ढूंढ रहा था। जाका? मैडम इसके पास तो इंस्पेक्टर विजय कुमार का कार्ड है। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। नहीं विजय, तुम्हारा ये युद्ध मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। मेरे हाथ गुनाहों में डूबे जा रहे हैं। सोनू जाका एक वांटेड मुजरिम था। विजय, आज एक लाश गिरी है, कल अपने आप को बचाने के लिए मुझे न जाने कितनी लाशें। नहीं सोनू नहीं, आने वाले कल में मैं तुम्हारे सामने ऐसा कोई मौका नहीं आने दूंगा। दो दो बैग सोना मैडम एक्स के लूटे हुए खजाने से निकालते निकालते तो हमारी उम्र गुजर जाएगी। एक प्लान है मेरे पास। तुम मैडम एक्स के लूटे हुए खजाने की नीलामी रख दो, वहां उसके सारे एजेंट्स को बुलवा लो, और मुझे यकीन है कि ऐसे खास मौके पर उसका हथियार एक्स वहां जरूर आएगा, और मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचकर उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लूंगा। इस तरह हम मैडम एक्स और उसके हथियार एक्स को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं।
राय बहादुर, किसी पुलिस वाले पर इस तरह उंगली उठाने का अंजाम जानते हैं आप? अंजाम तो आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट का सोचिए कमिश्नर साहब। जुर्म और कानून की गले मिलती हुई तस्वीरें जो मैंने अपनी इन आंखों से देखी हैं वही बयान कर रहा हूं और आपके दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राय बहादुर, अगर तुम इस शहर की एक इज्जतदार शख्सियत न होते तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से धक्के मार मार के बाहर निकाल देता। दुखती रख पर अगर कोई उंगली रख दे तो मारे दर्द के इंसान ऐसे ही चीख उठता है। हमने तो आपको चीखने का मौका दिया लेकिन इंस्पेक्टर विजय नाम का सांप जिसे आपने कानून की आस्तीन में पाल रखा है, जिस दिन वो आपको डसेगा तो शायद आपको तड़पने का मौका भी ना दे। एक इज्जतदार शहरी होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते आप अपना फर्ज पूरा करेंगे। गुड डे कमिश्नर माथुर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बैठो। इस वक्त मैडम एक्स कहां है? उसके गैर कानूनी कारनामे अचानक रुक कैसे गए? विजय, मैडम एक्स का केस मैंने तुम्हें दिया था और तुम मुझसे पर्दापोशी करने लगे। पर्दापोशी नहीं सर, देशपांडे के घर फिट किए गए माइक्रोफोन के जरिए जब मुझे मैडम एक्स के अगले कदम की खबर मिली तो मैं वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मैडम एक्स, और जब तक इस मैडम एक्स का एक्स नाम का हथियार जिंदा है दुनिया का कोई भी हथियार हमारे सीने के पार नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। और जब हमारी गिरफ्तारी की खबर हमारे उस एक्स तक पहुंचेगी तो वो हमें इन रेशम की डोरियों से आजाद करवा देगा। वहां पहुंचने के बाद तुमने क्या देखा? वो मैंने वहां मैडम एक्स की वो ताकत देखी सर जो पाताल की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी है। उसके हर इंतजामात फौलाद और लोहे से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये सब कुछ देखकर जैसे मेरी जुबान गूंगी हो गई हो, मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा। और मैं कामयाब होते होते सर नाकामयाब होकर लौट आया। आई एम सॉरी सर। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूं। मैं कभी कोई नाम होता है? मैं कमिश्नर माथुर बोल रहा हूं। हेलो माथुर, मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूं। कहां? माथुर। मैडम एक्स, लगता है तुम बदल गई हो। जमाना बदल सकता है माथुर, मगर मैडम एक्स नहीं। तो फिर फोन पर तुमने मेरी आवाज क्यों नहीं पहचानी? पहचानने में तो तुम धोखा खा गए माथुर, हम नहीं। क्या बात है, आजकल बड़े चर्चे सुन रहा हूं तुम्हारी रोमांस के बारे में। कहीं तुम इंस्पेक्टर विजय की बात तो नहीं कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं मैडम एक्स, उसी की। लेकिन माथुर के जीते जी कोई और वर्दी वाला तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। ये तुमने कैसे सोच लिया? क्या मतलब? क्यों, क्या हम किसी और को अपना पार्टनर नहीं बना सकते? अच्छा, तो अब हमारी 50% की पार्टनरशिप तुम्हें भारी पड़ने लगी है? जरूर हमारे किसी दुश्मन ने तुम्हारे दिल में शक का बीज बोया है। कहीं वो दुश्मन राय बहादुर तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? राय बहादुर हम दोनों का वो दुश्मन है जो हम दोनों को मिटा के खुद जुर्म की दुनिया का राजा बन जाना चाहता है। What? राय बहादुर और जुर्म? हाँ माथुर, काले कपड़ों में छुपा हुआ जहरीला नाग है वो जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत का जहर फूंक रहा है ताकि मैं तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हो जाऊं और वो इस शहर का राजा बन जाए। क्या तुम वाकई ये? चलो जाम पीते हैं माथुर, सुना है कि नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता। चेर। चेर।
जल्दी आना। दीदी वो देखो सोनू दीदी कितनी बड़ी गाड़ी में है ना। अरे हाँ दीदी, सोनू दीदी, सोनू दीदी, दीदी, सोनू दीदी, 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 इतने दिन हो गए तुम हमसे मिलने भी नहीं। दीदी दीदी मैं देखो ना मैं दीदी, सोनू दीदी, दीदी देखो ना मुझे, मेरा टांग भी ठीक हो गया, मैं अभी चल भी सकता हूँ। दीदी दीदी देखो ना मुझे, राजू को देखो ना दीदी, दीदी ऑफिसर्स, इस तरह आपको अचानक यहां बुलाने का मकसद मैडम एक्स है। हमें मैडम एक्स तक पहुंचने का कोई रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन एक खास खबर मिली जिससे खबरदार करने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। और वो खास खबर यह है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक खास आदमी है जिसका मैडम एक्स के साथ बड़े खास ताल्लुक है। वो गद्दार ऑफिसर कौन है? सर मुझे भी शक था कि हमारे कदम बाद में उठते हैं और मैडम एक्स को पहले पता चल जाता है। हमारे भी चंद वर्दियां ऐसी भी हैं जो फर्ज के नहीं दौलत के हाथों बिकी हुई हैं सर, जो अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसी हुई हैं। तुम कहने क्या चाहते हो माथुर? सर इस लिफाफे में आपकी सारी परेशानियों का जवाब है। इंस्पेक्टर विजय और मैडम एक्स? नहीं नहीं ऐसा कुछ। यस जेंटलमैन, ये इंस्पेक्टर विजय ही है जो अपनी वर्दी पर खाई हुई कसम और फर्ज को भुला चुका है, जो मैडम एक्स की गोद में बैठकर कानून के सीने में गोलियां मार रहा है। नहीं मिस्टर साहब, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर विजय, अब और गलती करने के लिए मैं तुम्हें इस वर्दी का सहारा नहीं लेने दूंगा। यू डिसमिस। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए सर। अब तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, एक मामूली आदमी हो और तुम पर एक्शन लिया जाएगा। नाउ रिमूव योर यूनिफॉर्म। नाउ गेट आउट। माथुर, विजय मिस्टर साहब, आप दुनिया की नजरों में तुम कानून की नौकरी से अलग कर दिए गए हो, लेकिन तुम नौकरी करोगे सिर्फ कानून की। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। तुम ही हो जो कमिश्नर माथुर के चेहरे से झूठ का नकाब उतार सकते हो। मगर सर मैं तो विजय, पुलिस के रिकॉर्ड में तुम इंस्पेक्टर नहीं हो, लेकिन मेरे स्पेशल केस की स्पेशल डायरी में तुम इंस्पेक्टर हो और तुम्हारा मकसद है कमिश्नर माथुर और मैडम एक्स की गिरफ्तारी। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो मेरी तरफ देखो राजू, मैं हूं ना तुम्हारी दीदी। दीदी सोनू दीदी हमको भूल गई ना, वो हमें देख के भी नहीं पहचानी। वो बहुत खराब है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। वो मुझे बुलाएंगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। रोते नहीं राजू, मैं आ गई राजा। ओ राजू,
दीदी क्या तुम हमें भूल गए? तुमने हमें पहचाना क्यों नहीं दीदी? तुमने हमें पहचाना क्यों नहीं? दीदी हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते दीदी। हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी, हमें सिर्फ हमारी दीदी चाहिए। हाँ दीदी, हम फिर उसी कच्चे मकान में वापस चले जाएंगे, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा दीदी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ऐसा मत बोल राजू, ऐसा मत बोल। तुम दोनों के बगैर से तुम्हारी दीदी भी नहीं जी सकती राजू, नहीं जी सकती, मैं भी मर जाऊंगी। दीदी बोल राजू। कितने दिन हो गए, विजय अंकल भी नहीं आए। दीदी वादा करो कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वादा करो। मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। बस अब तुम रोना बंद करो। हाँ रोना मत, रोना मत, रोना मत। मुझे अब मैं उस दुनिया में जाकर क्या करूंगी? कौन देगा मेरा साथ? कहां से आएगी मुझ में वो हिम्मत? कौन देगा मुझे वो प्रेरणा? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा मैडम। है इन चूतों की वजह से मैडम एक्स, नकली मैडम एक्स। इन दो बच्चों को सिग्नल पर रोते हुए देखकर शक की लाल बत्ती उसी वक्त मेरी खोपड़ी में जल गई थी कि तुम मेरी मैडम एक्स नहीं हो, नकली मैडम एक्स हो। अब सिर्फ इतना बता दो कि मेरी असली मैडम एक्स कहां है? कहां है असली मैडम एक्स? टके की चोरी तेज करने वाली हम हैं मौत के वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है मैडम एक्स। तूने उन जूतों को पहनने की जरूरत की जिसकी एड़ी के नीचे जुर्म की दुनिया पलती है। तूने हमारा वो ताज पहनने की हिम्मत की जिसे बनाने के लिए हमने सैकड़ों सर काट दिए। काश कि तू पुलिस रिकॉर्ड्स में हमारे खूनी कारनामे पढ़ लेती। हमारा लिबास पहनने के बजाय तू कफन पहन लेती। इतना घमंड मत कर अपने ताकत पर मैडम एक्स। तकदीर का पलड़ा जिस दिन भारी पड़ जाएगा, तुम्हारे साथ चलने वाला साया भी तुम्हें धोखा दे जाएगा। धोखा? धोखा तो हम उस बनाने वाले को देंगे जिसने तुझे हमारी हमशक्ल बनाकर पैदा किया। अब तुझे देखकर मुझे नफरत हो रही है अपने आप से कि भगवान ने मुझे तुझ जैसे शैतान का रूप देकर क्यों पैदा किया। ये पानी नहीं पेट्रोल है और तेरे हाथों में आग। चिल्ला हाँ, जिंदा हम नहीं जलेंगे, तेरा अपना खून जलेगा। चिल्ला जा, आ जा।
हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत दर्द हो रहा है ना, जिंदगी भी एक दर्द है। जानती है भगवान ने तुझे हमारी हमशक्ल बनाकर क्यों पैदा किया? ताकि हम अपने पापों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल सके। मैडमैक्स, याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की हुई है और बुराई की सिर्फ हार। वाह वाह भाई हमारी हमशक्ल, वाह। बगैर वर्दी की ही क्या खाकी वर्दी की जबान बोलती है। खाकी वर्दी वाले से प्यार जो करती है, वाह। इंस्पेक्टर, मैडम एक्स तुम्हारी कैद से आजाद हो चुकी है और तुम्हारे नकली मैडम एक्स दोनों इस वक्त हमारे कब्जे में हैं। माथुर, ये इतनी दौलत है जितनी तुमने कभी कागज पर लिखी भी नहीं होगी। बस अब तुम्हें हमारे पाप सोनू के नाम लिखने होंगे, हमारे गुनाहों के बोझ सोनू के कंधों पर डालने होंगे, ताकि मैडम एक्स की जगह सजाए मौत सोनू को मिले। कल तुम मेरे अड्डे से अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ सोनू को गिरफ्तार करोगे। कानून फांसी का फंदा उसे पहनाएगा और मैडम एक्स कानून के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। चंपकलाल, हमने हमारी दुश्मनी के सारे कीड़े मकोड़ों को अपने जूते की एड़ी के नीचे रौंद डाला। बस एक कीड़ा अपनी जिंदगी का बोझ लिए अब तक रेंग रहा है। नाम बताइए मैडम एक्स, पाताल की गहराइयों में गाड़ देंगे उसे। कौन है वो? राय बहादुर, हमने हमारा ये शिकार तुम्हें सौंप दिया है। हम तुम्हारी जबानी राय बहादुर की मौत की कहानी सुनना चाहते हैं। हाँ चंपकलाल, मौत की कहानी। राय बहादुर, तेरा आशिक मेरे आदमियों की गोलियों का शिकार होकर दम तोड़ देगा और फिर मैं उसके खून का इल्जाम तुझ पर लगाकर तुझे मैडम एक्स बताकर कानून के हवाले कर दूंगी।
मैडम एक्स, मुबारक हो मैडम एक्स, आपके दुश्मन राय बहादुर को चंपकलाल ने खत्म कर दिया। ये खून के छींटे उसकी मौत का सबूत भी हैं और गवाह भी। वेल डन चंपकलाल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम इस नागिन को संभालो, हम इंस्पेक्टर विजय की जिंदगी की आखिरी चीख सुनकर आते हैं। अरे अरे मेरी चुगली, आजा। माथुर, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अब तुम देखना हम इस खेल का कैसे अंत करते हैं। मैडम एक्स, इस इलाके का मिनिस्टर होने के नाते मैं पुलिस कमिश्नर माथुर के साथ तुम्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। खबरदार। दीदी, दीदी हमें बचा लो। हम है मौत की वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है मैडम एक्स। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे परिवार को खत्म करूंगा। हम तुझे जिंदगी की कैद से आजाद करते हैं। क्यों चुटकियों में अपनी कैद में लिए घूमते हैं हम। कोई जिंदगी से हमें जुदा क्या करेगा। क्योंकि हम है मौत की वो एक्सप्रेस, दुनिया जिसे कहती है
मैडम।